सिरे के सहारे रहेंगे नजदीकियां क्या हो दूरियां बस प्यार ही रहेगा आओ नाश्ता करने के लिए नहीं कहेंगे लेकिन मैं जानती हूं कि आपको कितनी तकलीफ हो रही है। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे माना। मैं भी अपना सामान लेकर आ रही हूं घर जा रही हूं। क्या हुआ? हाँ? अर्जुन क्या हुआ? आई मैं इस घर में और नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि मानव की बेइज्जती और मैं बर्दाश्त नहीं करती। मानव ये क्या कह रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आंखें खोलो बेटा। बाबा मैं डॉक्टर। अच्छा अच्छा आराम से लेटे रहो। अभी उठने की जरूरत नहीं, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। प्लीज मानव हम हमारे घर चलेंगे। हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। एक मिनट तुम एक बार ठीक हो जाओ फिर तुम जैसा कहोगे वैसा करें। लेकिन मानव मैंने कहा ना तुमसे आराम करो। चलो आके बात करो इधर। थोड़ी देर में घर से आता हूँ। वो कुछ सामान रह गया है और अर्चना की दवाइयां भी वहीं छूट गई। बस थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है।
सब क्या है? अच्छा, इसका मतलब तुम दोनों को ये बात पता चल ही गई। हाँ, और हम लोगों को ये बात पता चलनी बहुत जरूरी भी थी। तुम ये सब क्या कह रहे ना? अर्जुन की तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत मुश्किल से उसकी आंख लग गई है। मैं नहीं चाहती उसकी नींद टूटे। और हम सबकी नींद टूट गई, उसका क्या है? अगर पर बाबा, आप मुझे एक बात बताइए, शुतु, क्या आपको नहीं लगता ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है? बिल्कुल नहीं, उल्टा मैं तेरे आई के इस फैसले से सहमत हूँ। पापा। हाँ बेटी, रिश्ते अगर समझदारी से निभाए जाए ना, तभी वो टिकते हैं। रिश्तों में अगर जिद आ जाए तो फिर उनकी उम्र कम हो जाती है। देखा दादा? देख बेशु, तेरे कहने पर मैं हाथ हो गया, लेकिन इस बारे में मैं कोई बात नहीं करूंगा। पहले बोलने की कोशिश की थी लेकिन आई ने चुप करा दिया। हाँ, क्योंकि तू जो कहना चाहता है ना, वो मुझे मंजूर नहीं। देखो, मुझे अर्जुन की तबीयत की बहुत ज्यादा चिंता है, इसीलिए तो मैं उसे यहाँ लेकर आई हूँ। लेकिन मानव, वो भी तो आ गया ना। तू जानती है ना अपनी बहन को, बगैर मानव के वो यहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं होती। लेकिन आई, हमारी नाराजगी से ज्यादा हमें अर्जुन की चिंता करनी चाहिए। मैं जानती थी कि मानव के यहाँ आने से तुम लोग खुश नहीं होंगे, लेकिन ये वही इंसान है जिसने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। विनोद, अभी अभी तुम्हारी आई ने क्या कहा तुमने सुना नहीं? अर्जुन की तबीयत के सामने किसी भी बात की कोई भी अहमियत नहीं है। और हाँ, मैं जानता हूं जैसे ही अर्जुन की तबीयत ठीक हो जाएगी, मानव उसे लेकर यहाँ से चला जाएगा। जहां तक मैं मानव को जानता हूँ, वो यहाँ मजबूरी में रह रहा है। अगर अर्जुन की तबीयत ठीक होती ना, तो यहाँ रहने से बेहतर रास्ते पर रहना पसंद करता। अरे तो जाए ना, रहे रास्ते पर, यहाँ क्यों आया है? यहाँ आकर हम पर बोझ क्यों बन रहा है? नहीं मंजू, अर्जुन और मानव किसी पर बोझ बनकर नहीं रहेंगे यहाँ। मैंने मेरे और सुलोचना के बुढ़ापे के लिए कुछ पूंजी जमा करके रखी है। उन दोनों का जो भी खर्चा होगा मैं अपने पैसों से करूंगा। तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? वाह, देखा विनोद, देखा, मुझे पता था कि अर्जुन और मानव के यहाँ पर आते हमारे परिवार में गलत फहमियां पैदा होंगी, और वही हो रहा है। मैंने तो पैसों की बात भी नहीं की और बाबा ने मुझे कितना कुछ सुना दिया। और बाबा, एक बात बता दूं आपको, वो सिर्फ पैसों का नहीं होता है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो इंसान को थका देती हैं। बाबा, मंजू बिल्कुल ठीक कह रही है। हम दोनों में से किसी ने ये नहीं कहा कि अर्जुन या मानव उसका खर्चा हम नहीं उठाएंगे। हमें उनके खर्चे से नहीं, उनके एटीट्यूड से प्रॉब्लम है। और आई, मुझे एक बात बता, तू शादी का दिन भूल गई क्या? याद नहीं हमें कितना बर्दाश्त करना पड़ा था? और आई, ये वही मानव है जिसने हमारी पीठ पे छुरा भोंका था। और हमारा ही नहीं, उसने धर्मेश का भी तो इंसल्ट किया था, उसका क्या है? और आज तो उसी मानव के लिए ये सब। देखो, एक पुरानी कहावत है, महादेव की पिंडी पर बैठे हुए बिच्छू को चप्पल से नहीं मारा जाता। आज हमारी हालत यही है। हम सब जानते हैं कि मानव लाख गलत है, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि हमारी बेटी की जिंदगी उसके साथ जुड़ी हुई है। बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती, ये मेरा अंतिम फैसला है। अर्चना और मानव यहाँ हमारे साथ रहेंगे तब तक जब तक अर्जुन पूरी तरह से ठीक नहीं होती। रघु और मुश्ताक, मैं तुम लोगों को शुक्रिया नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो काम तुम लोगों ने किया है उसका मोल ना तो मैं पैसों से और ना तो शब्दों से दे सकता। बस मुझे ये याद रहेगा कि जिस वक्त मेरे खुद के परिवार ने मेरा साथ नहीं दिया, उस वक्त तुम लोग मेरा परिवार बन के खड़े रहे। यार मानो, हम लोग ठहरे अनपढ़ गंवार आदमी, बुरी संगत में जन्म लिया और बुरी संगत में इतने बड़े हो गए। कभी किसी का भला नहीं किया, पर तुझे देखा तो ऐसा लगा कि इस बंदे के साथ अच्छा करना चाहिए। हाँ बेड़ू, तुम्हारी अच्छाई ने हमें अच्छा बनने पर मजबूर किया है। यार एहसान तो तेरा है हम पर। अब पता नहीं कब मुलाकात होगी, पर कभी भी तेरे को अपुन की जरूरत पड़े ना तो हक से बुला लेना, हम दोनों तेरे लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ये लो, खोल के जाबे। हाँ मानव,
एक बात और, तूने वो मैकेनिक की नौकरी के लिए कहा था, मेरी एक आदमी से बात हुई है, दादर में गैरेज है उसका, उसे जल्द से जल्द किसी अच्छे आदमी की जरूरत है, ये लो उसका नंबर, तू आज ही उससे बात कर ले, खुदा ने चाहा तो तेरा काम हो जाएगा। थैंक्स यार। की वजह से भले ही आई ने तुम्हें माफ कर दिया होगा मानो, लेकिन हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते और हमसे कभी एक्सपेक्ट भी मत करना। ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? आई ने तुम्हें कहा आने को और तुम आ गए? अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तुम्हें? एक तो इस घर की इज्जत मिट्टी में मिलाई और अब इसी घर में आके रह रहे हो। एक समय था जब मैं तुम्हारी बहुत इज्जत किया करती थी, लेकिन अब नहीं मानो। इस एक हरकत की वजह से तुम मेरी नजरों से पूरी तरह गिर चुके हो। तो अपने जान से प्यारी चीज को बचाने के लिए अपनी जान भी नहीं दे सकता, तो कैसा लगता है तुम लोगों को? तुम लोग नहीं समझ सकते। हाँ, अगर कभी तुम लोग के दिल में मेरे लिए नफरत कम हो जाए ना, तो मेरी जगह आकर सोचना, शायद तब तुम लोगों का रवैया बदल जाए मेरे लिए। एक बात तो तय है कि अर्चना से मैं बहुत प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा, जिस तरह तुम्हारे लिए सतीश और तुम्हारे लिए धर्मेश, तुम लोग उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, उसी तरह मेरे लिए अर्चना है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं और कुछ भी कर रहा हूं। इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना। माना बेटे, मैं नहीं जानता कि तुमने जो किया है वो सही है या गलत, और वैसे भी सही और गलत का फैसला करने वाले हम होते कौन हैं? हाँ बेटे, लेकिन इन बूढ़ी आंखों को एक बात साफ दिखाई दे रही है कि तुम मेरी बेटी से बहुत प्यार करते हो, और एक बाप के लिए इससे बड़ी तसल्ली की बात और क्या हो सकती है। विनोद चलो, हम वैसे लेट। कैसा जमाना आ गया, घर किसी और का, तेवर कोई और दिखा रहा है, कर भी क्या सकते हैं हम? जब हमारे घर वाले बाहर वालों के साथ मिल गए तो किसी और के पास जाकर अपना दुखड़ा भी नहीं रो सकते। अर्चना, लेटी रहो, आराम करो। आप ठीक है ना माना? तबीयत तुम्हारी खराब है, चक्कर खा के तुम गिरी और उससे पूछ रही हो कि मैं ठीक हूं। मानव, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? इस घर में आकर हमने कोई गलत फैसला तो नहीं किया ना मानव? सही गलत मुझे पता नहीं अर्चना। हाँ, इतना पता है कि अभी मेरे लिए तुम्हारी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम्हारी इस घर से अच्छी देखभाल कोई और नहीं कर सकता, और तुम्हारे लिए
तुम्हारे लिए कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ मैं अर्चना, ये सब तो कुछ नहीं। एक बात पूछूं, कोई अपने आप से ज्यादा किसी और को प्यार कर सकता है? तुम मुझसे पूछ रही है, अपने आप से पूछो, जल्दी जवाब मिल जाएगा। और अगर मुझसे पूछ रही हो तो मुझे लगता है कि अगर हमें अपने जैसा ही कोई प्यार करने वाला मिल जाए तो हमें अपने आप को भूलकर उससे बहुत प्यार करना चाहिए, बहुत सुकून मिलता है। अभी तुम आराम करो। हाँ हाँ दीपक, तुम्हारे पैसे देने हैं लेकिन आज मैं बैंक नहीं जा पाऊंगा। कुछ नहीं, तबीयत खराब है। अरे उतनी भी नहीं लेकिन थोड़ी सी हरारत है, सोच रहा हूँ खुली हवा में जाऊंगा तो तकलीफ हो सकती है। हाँ हाँ भाई अर्जेंट है लेकिन क्या करूँ, तबीयत साथ नहीं दे रही है ना। मैं कल किसी भी हालत में बैंक जाऊंगा, ठीक है? हाँ चल फिर, रखता हूँ फोन। क्या बात है बाबा, कोई काम अटका हुआ है? कहीं मैं कर देता हूँ। नहीं बेटा, छोटा सा बैंक का काम था लेकिन मैं कल कर लूंगा ना। अरे नहीं बाबा, अभी आपने कहा कि अर्जेंट है। हाँ अर्जेंट तो है लेकिन कहिए ना, मैं कर देता हूँ। ठीक है, मैं चेकबुक लेकर आता हूँ। जी इस भीड़ की वजह से तो सारा काम ही बिगड़ गया, दो घंटे यहीं पर निकल गए। मुश्ताक ने दोपहर से पहले उस गैरेज में फोन करने को कहा था और अब तो शाम हो गई, पता नहीं वो आदमी कैसे रिएक्ट करे। हेलो। हेलो, हाँ सर, मुझे मुश्ताक ने आपका नंबर दिया, वो कह रहा था कि आपको मैकेनिक की जरूरत है इसलिए मैं... हाँ हाँ मैंने ही मुश्ताक से कहा था कि मुझे एक लड़के की जरूरत है, लेकिन तुम तो दोपहर में आने वाले थे ना। हाँ सर, लेकिन एक जरूरी काम था इसलिए मैं... देखो वो क्या है कि मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया और तुम आए नहीं तो मैंने किसी और को रख लिया काम पर। सर मैकेनिक नहीं तो कोई और काम है सर, क्लीनर, कोई और काम भी चलेगा सर प्लीज। नहीं वैसे तो फिलहाल कोई जगह खाली नहीं है, अगर हो तो बता दूंगा। बाबा, अरे आ गए बेटा। बैंक में बहुत भीड़ थी ना? हाँ वो बहुत इंतजार करना पड़ा शायद। अच्छा एक मिनट रुको। बाबा लो बेटे, इतना अकॉर्ड होने की जरूरत नहीं है, समझ लेना तुम्हारे बाबा तुम्हें पानी दे रहे हैं। आओ बैठो मेरे पास। बाबा वो अर्चना अगर सो रही है, एक घंटे पहले डॉक्टर के पास गई थी, शायद थकी है, पियो ना। बाबा आपको एक बात बतानी थी। हाँ हाँ बोलो। जयवंत को हमने खाने पे बुलाया। क्या तुमने जयवंत को घर में खाने पे बुलाया और इन हालतों में? विनोद तुम्हें हो क्या गया है, तुम सोच नहीं पा रहे हो या सोचना चाहते ही नहीं हो? इसमें सोचने की क्या बात है बाबा? विनोद एक सेकंड, मैं बात करती हूँ बाबा से। बाबा प्लीज, विनोद ने इसमें क्या गलत किया है? क्या?
आज जयवंत की वजह से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है तो क्या हम उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते? लेकिन मंजू तुम बाबा, अब अगर मैं बोली ना तो बहुत बुरी बन जाऊंगी, लेकिन मुझे बोलना तो पड़ेगा ही। एक बात तो तय है कि अर्चू और मानव की वजह से हम दोनों अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना नहीं छोड़ सकते। और अर्चू शादी का मंडप छोड़ के भागी थी और उसकी वजह से जयवंत किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, लेकिन वो सब बातें भूलकर भी उसने विनोद की मदद की, एक अच्छी कंपनी में उसे अच्छा जॉब दिलवाया, तो क्या हम उसे खाने पर नहीं बुला सकते? और बाय द वे, अर्चू और मानव हमारे घर पर रहने के लिए आए हैं, हम उनके घर पर रहने के लिए नहीं गए, तो समझौते इन दोनों को करने होंगे, हमें नहीं। मंजू बाबा, मंजू बिल्कुल ठीक है। प्यारे